ऐसे ही नए डिज़ाइन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने चार धागे लिए हैं, वो 75 सेंटीमीटर लिए हैं और वो डबल करके लिए हैं। अब हम ये धागा पेंडेंट को लगाएंगे। यहाँ पे हमने दोनों तरफ से दो दो धागे लगाए हैं। अब हम यहाँ पे गांठ लगाएंगे। अब हम दोनों तरफ से सुई लगाएंगे। यहाँ पर पहले हमें सुई को धागा लगाना है और उसे सिंगल गांठ लगानी है और मंगलसूत्र के धागे को भी सिंगल गांठ लगानी है। यहाँ पे हम गोल्डन मनी यूज़ करेंगे और उससे छोटा क्रिस्टल मनी ब्लैक यूज़ कर रहे हैं। पहले हम क्रिस्टल मनी डालेंगे, फिर गोल्डन मनी डालेंगे, फिर क्रिस्टल डालेंगे। यहाँ पर हम तीन लेयर बनाएंगे, जैसे कि ये एक, दो और ये दो धागे हैं उनको एक कर देंगे। ऐसे हम तीन लेयर बनाएंगे और उसमें हम ग्रीन कलर के मणि डालेंगे। यहाँ पर हमें तीनों लेयर में 6 ग्रीन कलर के मणि डालने हैं। ये ग्रीन कलर के मणि डाले हैं, इसके ऊपर हम ब्लैक मणि डालेंगे। ऐसा ही हम दूसरे साइड भी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने दोनों तरफ से ग्रीन मणि डाले हैं। अब हम इसके ऊपर क्रिस्टल वाला ब्लैक मनी डालेंगे, फिर गोल्डन मनी डालेंगे और फिर से क्रिस्टल ब्लैक वाला डालेंगे। अब यह हमारा सुंदर डिजाइन बन गया है। अब हम इसके ऊपर काले पीले ऐसे 0 नंबर के मनी डालेंगे। यहाँ पर हम 0 नंबर के काले पीले मनी यूज कर रहे हैं। मनी थोड़ा छोटे हैं, पर हमारा धागा जो हो गया है वो 4 लेयर का हो गया है, इसलिए मनी जाने में थोड़ा तकलीफ करेंगे, फिर भी आप ट्राई करिए। ऐसा ही हम दूसरे साइड भी बनाएंगे। हमारा ये सुंदर डिजाइन बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम ये जो डिजाइन बना है ना, क्रिस्टल वाला मनी ब्लैक और गोल्डन ब्लैक, ऐसा ऊपर हम दोनों तरफ से डालेंगे। ये देखो ऐसा डिज़ाइन बन गया है। हमने यहाँ पे गोल्डन ब्लैक मनी डाले हैं दोनों तरफ से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो लेयर बनाएंगे। अब ये चार धागे हैं ना, चार धागों के दो लेयर बनाएंगे। यहाँ पे दो डालेंगे, यहाँ पे दो लेंगे और यहाँ पे दो लेंगे, और दोनों धागों को सुई लगाकर यहाँ पर हम थोड़े से येलो मनी डालेंगे, उसके ऊपर ब्लैक येलो, ब्लैक येलो, ब्लैक येलो, और फिर से हम थोड़े से 0 नंबर के येलो मनी डालेंगे। ऐसा हम डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर हम 0 नंबर के मनी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने दो लेयर में 7 येलो मनी डाले हैं 0 नंबर के। अब हम दो लेयर में यहाँ पे और यहाँ पे काले पीले ऐसे मनी डालेंगे।
ये देखो यहाँ पर हमने दो लेयर पे येलो ब्लैक मनी डाले हैं। यहाँ पर मैंने टोटल 17 ब्लैक मनी यूज़ किए हैं और उसके बीच मैंने येलो मनी डाले हैं। ये देखो ऐसा डिज़ाइन बन गया है। अब इसके ऊपर हम सेवन यहाँ पे जितने 7 डाले थे ना वैसे ही ऊपर 7 हम येलो मनी डालेंगे दोनों तरफ से दो लेयर में। यहाँ पर मैंने दोनों तरफ से यहाँ पे दो लेयर पे 7 मनी डाले हैं। अब फिर से हम यहाँ पे एक क्रिस्टल वाला ब्लैक गोल्डन ब्लैक ऐसा ऊपर हम डालेंगे दोनों तरफ से। ऐसा ही डिज़ाइन हम दूसरी साइड भी बनाएंगे। ये देखो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ से दो दो लेयर बनाए हैं। अब हम इसके ऊपर हम गोल्डन मनी डालेंगे क्रिस्टल, पहले क्रिस्टल डालेंगे फिर गोल्डन फिर क्रिस्टल, ऐसा जो मनी डाले हैं ऐसे हम ऊपर डालेंगे। यहाँ पे हम फिर से इस डिज़ाइन के ऊपर तीन लेयर बनाएंगे और इसमें रेड कलर के 6-6 मने डालेंगे। ये देखो हमने यहाँ पे तीन लेयर पे रेड मने डाले हैं। अब इसके ऊपर हम ब्लैक गोल्डन ब्लैक क्रिस्टल मनी डालेंगे। ऐसा ही डिज़ाइन हम दूसरे साइड भी बनाएंगे। ऐसे ही तीन लेयर में हम रेड मनी डालेंगे और उसके ऊपर क्रिस्टल ब्लैक गोल्डन और क्रिस्टल ब्लैक डालेंगे। ये देखो हमने रेड मनी डाले हैं, ये डिज़ाइन ऐसा लग रहा है। अब इसके ऊपर हम क्रिस्टल मनी डालेंगे और उसके बीच हम 0 नंबर के येलो मनी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 14 ब्लैक क्रिस्टल मनी यूज़ किए हैं और उसके बीच मैंने 0 नंबर के येलो मनी डाले हैं। यहाँ पर हम ऊपर ऊपर फिर से एक ब्लैक मनी डालेंगे, फिर गोल्डन मनी डालेंगे और फिर से ब्लैक क्रिस्टल मनी डालेंगे। अब इसके ऊपर गोल्डन मनी डालने के बाद हम यहाँ पे ऊपर ब्लैक मनी डालेंगे, नॉर्मल ब्लैक मनी डालेंगे। यहाँ पे लास्ट हमें 35 नॉर्मल ब्लैक मनी यूज करने हैं। ये क्रिस्टल वाला भी डिज़ाइन आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, ब्लैक मनी नहीं चाहिए तो। अब हम स्क्रू लगाएंगे। ये नया डिज़ाइन आपको पसंद आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।